प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है टारगेट अश्विनी क्लासेज में। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और ध्यान से इसे पढ़ें समझें, ठीक है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक आप ध्यान देना। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहेगा मैथमेटिक्स का, प्रैक्टिस सेट नहीं, पूरा का पूरा एक पेपर है, पूरा का पूरा दोस्तों। आज हमारा जो पेपर होगा, वो जो पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर होगा, वो अनुपात समानुपात का होगा। सॉरी बच्चों, तो पूरा चैप्टर अनुपात समानुपात, पूरे एग्ज़ाम में दो या तीन क्वेश्चन इसके आएंगे, जो आज पढ़ाऊंगा उसमें से आएंगे, जैसे पढ़ाऊंगा ऐसे ही आएंगे। बहुत लाजवाब है, सिंपल से सिंपल, हार्ड से हार्ड है। तो एक बार जुड़ जाओ सभी भाई, क्लास को लाइक करें और पढ़ें। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपी कांस्टेबल। पहले कुछ क्वेश्चन हम 2019 के लेंगे, 2019-2018 के कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो उसमें आप देखियो कितना ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। 4/5, 12/10, एक्स बटे 6 और 9/2, ये एक अनुपात में दे रखे। ये दोनों अनुपात में है, ये समानुपात में है, ये समानुपात में है। तो सवाल में एक्स की वैल्यू पूछी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। तो बहुत ध्यान से इसे समझे, इस मामले में एक ही काम करना आपको, बीच बीच की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। बीच बीच की गुणा, जब भी समानुपात में चार पद हों तो मध्य पदों का प्रोडक्ट और बाह्य पदों का प्रोडक्ट, ये करना है दोस्तों। तो यहाँ आपको 4/5 में किससे गुणा करनी है, तो आप कहोगे 9/2 में। और दोस्तों 12/10 में किससे गुणा करनी है, तो आप कहोगे जी x/6 में। यही तो काम है मेरे बच्चों, और तो कुछ नहीं है। बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर के पदों की गुणा, बस इतना करना है। अब अनुपात समानुपात में एक सुविधा होती है कि नीचे से नीचे आप काट सकते हो। जैसे आपने ये काट दिया बच्चों, 10, 5 × 2 = 10 से 10 कट गया मेरे भाई। अब आप इनसे भी काट दो, 4 × 4 = 12 और 3 × 6, अब 2 की गुणा 9 में कर दो, तो x की वैल्यू x = 18 आ जाएगा, 2 की वैल्यू। ये आ गया आपका डी ऑप्शन। ये एक मामूली सा लेकिन गजब सवाल था, सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे। तो एक बार जुड़ जाओ क्लास के साथ, शेयर करो, लाइक करो, राम राम सभी भाइयों को। अब इस सवाल को देखिए, ये भी 2019 यूपी कांस्टेबल का सवाल है, आप इसे करिए और समझिए, ठीक है बच्चों? जल्दी जल्दी, गुड इवनिंग सभी भाइयों को, नमस्ते भाई, नमस्ते। विक्रांत सर, आपका पास क्वेश्चन भेजा था भाई, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, आप दोबारा भेज दियो, मैं कल बता दूंगा, ठीक है? प्रिंट कर लाऊंगा, सभी को मिल जाएगा वो क्वेश्चन। तो रेडी हो जाओ दोस्त सभी भाई, और क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, लाजवाब क्वेश्चन है सारे। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो इस परीक्षा को देंगे, यूपी पुलिस 2024 जो 17 और 18 फरवरी को होनी है। तो दोस्तों मसला ये है, इस सवाल में ये कंडीशन दे रखी 2x/3, अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हो, बराबर 3 और 4 का घनानुपाती है। 3 और 4 का यहाँ क्यूब दे रखा है घनानुपाती, तो आप घन कर दीजिए दोनों तरफ, 3 की भी और 4 की भी घन कर दीजिए। तो 64 की गुणा आप इसमें और 27 की गुणा आप इसमें करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 64 दूनी कितना होता है? 128x प्लस 64 की आप 3 में गुणा करोगे, 3 में गुणा करोगे तो आपको 3 × 12 = 392 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप 3 की पावर 3 27 की 5 में गुणा करोगे बच्चों, तो 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 13, 135 मिलेगा, 135x। क्लियर है? और 27 की 4 में गुणा करोगे तो 108 मिलेगा।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी इसमें एक्स दे रखा दोस्तों, मैं एक्स नहीं लगाया है, कभी कोई बच्चा ये समझे तो एक्स से करा मैं। अब एक्स में से एक्स को घटा दो और अंकों में से संख्या में से संख्या को घटा दो, तो हमारे यहाँ से बचेंगे 7x और यहाँ से बचेंगे हमारे 108 घटाते ही बेटा, यहाँ से 8 घटा दे, 108 घटा दे तो बेटा 8 घटाओगे 92 में से आप कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 84। क्लियर? तो 7 से काट दो इसे, तो एक्स की वैल्यू आएगी 12। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अब ये कह रहा है एक्स का वर्ग बताइए, तो एक्स का वर्ग 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों? 144। 144। किसी को कोई समस्या? राम राम मेरे भाइयों, ध्यान दीजिए, पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है। प्रिय शिष्य आबिद खान, शाबाश भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, आज बहुत बेहतरीन है, लास्ट में तो कमर तोड़ देंगे, इतने लाजवाब क्वेश्चन है, खुश कर देंगे तबीयत, खुश कर देंगे बेटा तबीयत, इतने लाजवाब क्वेश्चन है लास्ट में। इस सवाल को देखिए दोस्तों, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में बांटा जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ये तो सबसे आसान है, 9 और 5 के अनुपात में तोड़ोगे तो टोटल जोड़ 14 आ जाएगा, 9 और 5 14, और हमें छोटे टुकड़े की लंबाई 14 में से छोटा 5 है, 14 में से छोटा कितना है दोस्तों? ये 2018 में आया था, 14 में से छोटा कितना है? 5, तो 154 में से कितना होगा? तो 14 11 154 11 पंजे 55, इसका मतलब छोटे की लंबाई 55 होगी। चलो दोस्तों चौथा क्वेश्चन करिए, इस सवाल को देखिए, राम और श्याम की आयु का जो रेशियो है 4:5 है, 6 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा 6:7 होगा, उनकी आयु का अंतर क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाए आप एक बार सीख लीजिए। राम और श्याम अनुपात को आप पहले लिख लो 4:5, और बाद का अनुपात 6 साल बाद, 6 साल बाद का अनुपात हो जाएगा 6:7, तो आप ये देखिए कितने यूनिट वृद्धि हुई, 2 यूनिट की, और 2 यूनिट बराबर 6 तो 1 बराबर 3, तो उत्तर आ गया। देखो यहाँ भी अंतर दोनों का, इनका अंतर ही कह रहा है, 1 बराबर 3 है, तो यहाँ अंतर 1 यूनिट का, तो अंतर आ गया 3 साल का। ये सवाल है, अंतर आ गया दोस्तों 3 साल का, ये सवाल था। बिल्कुल बड़ौत में ही पेपर है, कहा तो था पहले ही आपको, मगर आसपास ही पेपर होंगे भाई, सबको पहले ही बताया था आपके आसपास, और पहले ये भी बता रहा हूँ जो पढ़ा रहा इनमें से ही आएंगे, ये 15 चैप्टर जो मैं कराऊंगा इनसे ही आएंगे बच्चों, देख लेना, आप विश्वास करें, क्लास को एक बार लाइक करिए और जुड़िए, फिर देखिए सबको पता लगेगा। अर्जुन एसआई भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, विश्वास करके पढ़िए फिर देखिए मजा आएगा। एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना, जोड़ने पर 7 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्रण 7 हो जाता है, तो इन्हें घटाओ 2 और इन्हें घटाओ 4, अनुपात 2:1, 2:2, 4, उत्तर आ गया 2:1। सवाल का आंसर पहला विकल्प बिल्कुल सही है, पहले और दूसरे का अनुपात पूछा था। इस तरह सेकेंडों में सवाल को तोड़िए फोड़िए, फटाफट फटाफट फोड़िए इन सवाल लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, जो भाई लेट आएंगे उनका तो आज बहुत इंपॉर्टेंट छूट जाएगा, क्योंकि अनुपात समानुपात का जो आज क्लास है वह बहुत लाजवाब है, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको लास्ट तक, लास्ट में इतने गजब सवाल हैं, तो लास्ट तक पढ़ने वाले को आज बहुत फायदा होगा। ABC के पास 4600 रुपये है, BC के धन का अनुपात 3:5 है, A का हिस्सा 1400 रुपये, BC को धन का अंतर ज्ञात करें, B और C के धन का अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों सवाल में ये दिया हुआ है कि B और C का जो रेशियो दे दिया, B और C का जो रेशियो दे दिया 3:5 दे दिया, और टोटल 4600 रुपये हैं, कितने हैं टोटल 4600 रुपये हैं, इसमें से A का हिस्सा घटा दो, A का हिस्सा 1400 रुपये घटा दो, A का हिस्सा 1400 रुपये घटा दो, तो ये 3200 रुपये बचा, 3200 रुपये B और C का है,
3200 BRC का 3:5 का अनुपात है, तो इनका अंतर बताना है। इनका जोड़ तो हो गया 8 यूनिट, तो 8 यूनिट के तो हो गए 3200, तो एक यूनिट के हो गए 400, अंतर है 2 यूनिट का, अंतर ही हमसे पूछा था। एक यूनिट के 400 तो 2 यूनिट के 800, अर्थात ए बी और सी का अंतर 800, बी विकल्प आ गया बच्चों, ये सवाल था। अच्छा जी दोबारा देख लो, किसी भाई को कोई दिक्कत हो, 4600 तीनों का है, ए का घटा दिया 1400, तो इसका मतलब 3200 बच गया बी और सी का। 5 और 3 8 यूनिट बी और सी के हैं, 8 बराबर 3200, 1 बराबर 400, अंतर पूछा है 2 यूनिट का, 2 बराबर, जब 1 बराबर 400 तो 2 बराबर 800। चलो जी सातवां क्वेश्चन, ये एक लाजवाब से भी लाजवाब क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। कल एक भाई ये कहता थोड़े से हार्ड पढ़ाओ, तो आज वो तैयार रहना और बेटा पढ़ना बिल्कुल मन से ध्यान से, हार्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे बाद तक आपको। हाँ तो दोस्तों सवाल ये है, 8x और 72 ये एक सतत अनुपाती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, सतत अनुपात में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सतत अनुपात, तो दोस्तों मैं सिखाने की तरह सिखा रहा हूँ, आप सीखने की तरह सीखिए, वैज्ञानिक मत बनिए और ध्यान से पढ़िए, एग्जाम का टाइम है, पूरी बुद्धि लगाइए। तो दोस्तों 8x और 72 एक कंटिन्यूड रेशियो में है, तो हमें x की वैल्यू पहले निकालनी है। तो जो भी पद बीच में आएगा उसे दो बार लिखें, जो भी पद बीच में आएगा समानुपात बनाने के लिए उसे दो बार लिखें, और ऐसे मामले में आप बीच बीच के पदों की गुणा बाहर बाहर के पदों की गुणा कर दें। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8 गुणा 72, 8 गुणा 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा 3, 8 3 24 आ गई x की वैल्यू दोस्तों आ गई 24। अब 24 आप वहाँ रख दीजिए 2x + 8 और 3x + 8 में x की वैल्यू 24 रख दीजिए। तो दोस्तों ये 24 × 48 और 8 कितने हो गए 56, और दोस्तों ये 24 × 72, 72 और 8 कितने हो गए 80। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई भी समस्या हो बता देना, और अब इन्हें काट भी दीजिए 24 × 48, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है भाई। अच्छा जी अब इसे काट दो, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 80, तो 7:10 कहाँ मिस्टेक हुई बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 8 × 72, बिल्कुल दोनों का 1 8 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 8 × 3 = 24 एक्स की वैल्यू होगी 8 × 3 = 24, और 24 × 48 और 8, प्यारे बच्चों इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो मैं चेक कर लूं। वैसे इसे चेक करने की क्या ज़रूरत है, आंसर 7:10 ही आएगा, 7/10 ही आएगा, चेक कर लिया, ये आंसर में कोई मिस्टेक हो रही है, 7:10 आएगा। चलो जी नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब इस सवाल को देखिए, किसी भाई के कोई क्वेश्चन समझ में ना आवे तो आप बोल देना कि रिपीट कर दो, तो मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। दोस्तों दो संख्या का रेशियो 3:5 है, पहली संख्या में 8 दूसरे में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उसका अनुपात क्या होगा, ये सवाल है, ये लाजवाब सवाल है। अनुपात समानुपात के तो कई क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। पहले दोस्तों 3:5 था, पहले मेरे बच्चों 3:5 था, अब जो भी जोड़ना या घटाना है, जो भी जोड़ना या घटाना है वो बाद में लिखेंगे, और दूसरा अनुपात आप पहले लिखोगे 2:3। पहले अनुपात था 3:5, बाद का अनुपात हो गया 2:3, कितना जोड़ा गया था इसमें 8 और दूसरे में 7, ये जोड़े गए थे। अब यहाँ से आपको एक काम सीखना है, यहाँ से एक काम सीखना है कि तिरछी गुणा करो, 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, कोई समस्या, और तिरछी गुणा नीचे की ओर, 7 × 14 = 8 + 24, ये कर दो।
अब ये देखिए सबसे ऊपर अंतर कितना है, एक का। सबसे ऊपर अंतर एक का और सबसे नीचे अंतर दस का। सबसे नीचे अंतर दस का है, सबसे ऊपर एक का है। एक बराबर दस है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संख्या जो मूल संख्या थी वो तीन पाँच के अनुपात में थी। जब एक बराबर दस है तो इसका मतलब मूल संख्या हमारी तीस और पचास थी। मूल संख्या हमारी तीस और पचास थी। अब प्रत्येक संख्या में छः जोड़ दो, छः यहाँ भी जोड़ दो और छः यहाँ भी जोड़ दो, अर्थात वे संख्या हो जाएंगी छत्तीस और छप्पन। वे संख्या छत्तीस और छप्पन। अब इनका रेशियो निकाल दो, अनुपात। चार नम छत्तीस और चार एकन चार, चार चौक सोलह, नौ अनुपात चौदह, आपका चौथा विकल्प आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों बेहतरीन से बेहतरीन, नौ अनुपात चौदह हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, तीन संख्याएं पाँच सात बारह के रेशियो में है, यदि इनमें से पहली और तीसरी का योग दूसरी से पचास अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ये भी लाजवाबी क्वेश्चन है, सारे लाजवाब है दोस्तों। तीन संख्या होगी पहली, दूसरी और तीसरी। दोस्तों इनका रेशियो है पाँच सात बारह, पाँच सात बारह, क्लियर। अब सवाल में क्या बोल रहा है, शर्तें देख लो। पहली का और तीसरी का, ये पहली है और ये तीसरी है, इन दोनों का क्या कह रहा है वो योग। तो इन दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, सत्रह। क्या कह रहा है, दूसरी से, दूसरी है सात, सत्रह और सात बराबर आ गया दस, दस बराबर कितना दे रखा पचास। अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है दोस्तों, अधिक हो या कम हो हमेशा अंतर को दर्शाता है। दस बराबर पचास तो एक बराबर कितना हो गया पाँच, एक बराबर पाँच। तीसरी, तीनों संख्याओं का योग कितना है, अब तीनों का योग कितना है वो तीनों का योग देख लीजिए। तो बेटा बारह पाँच सत्रह और सात कितने हो गए चौबीस, एक बराबर पाँच तो चौबीस बराबर चौबीस पंजे एक सौ बीस, अर्थात तीनों का योग कितना आ जाएगा एक सौ बीस आ जाएगा। तीनों का योग कितना आ जाएगा एक सौ बीस, ये सवाल है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हमारी पहली है और तीसरी है, इन पहली और तीसरी का योग है यू बारह पाँच सत्रह। पहली और तीसरी का योग दूसरी से, दूसरी हमारी सात है, अधिक है, कितना अधिक है पचास। यहाँ हमारे यूनिट आए दस, दस बराबर पचास तो एक बराबर पाँच, और ये कह रहा है तीनों का योग कितना है तो तीनों होगी चौबीस। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस सवाल को देखें दोस्तों, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का रेशियो आठ नौ, दूसरी तीसरी का रेशियो तीन चार, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400, उन तीनों का योग कितना है, उन तीनों का योग कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी का है बेटा आठ अनुपात नौ, और दूसरी और तीसरी का है बेटा तीन अनुपात चार। आप यहाँ से तीनों का अनुपात निकाल लो, तो एक काम करो, तीनों का अनुपात निकालने के लिए बीच की संख्या को बराबर कर लो, यहाँ भी तीन की गुणा कर लो, यहाँ भी तीन की गुणा कर लो। अब आपको यहाँ से तीनों का रेशियो पता लग जाएगा, पहली दूसरी तीसरी, तीनों का रेशियो आ जाएगा आठ नौ बारह। ये आठ है बेटा, ये नौ है और ये बारह है, तीनों का रेशियो निकल गया दोस्तों। अब यहाँ से आगे क्या करें, जो सवाल में कहा वो करें। सवाल में कहा पहली और तीसरी का गुणनफल, ये गुणनफल करते समय इसमें एक्स लगा लीजिए, तो ये आठ एक्स और ये बारह एक्स, तो बारह अट्ठे छियानवे एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये छियानवे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 2400 है, 24 चौका छियानवे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा ये कट के, अर्थात पाँच का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाँच। अब पूछ क्या रहा, उन तीनों का योग पूछ रहा है बेटा, इन तीनों का योग 12 8 20 और 9 29 एक्स है, तीनों का योग 29 एक्स है। एक्स की वैल्यू आप 5 रख दीजिए तो 5 नम 45, 5 दून 10 4 14, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा बेटा 145। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था भाई ये। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाओ। अब इस सवाल को देखिए भाई,
सवाल में दिया है दोस्तों ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, 7, 6, 5 इनका अनुपात इस रूप में दिया है। फिर ये भी दिया है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 27 है। फिर आपसे ये पूछा है एक बटे ए एक बटे बी एक बटे सी का मान बताओ। तो दोस्तों इसमें सारा हल नहीं करना, कभी आप सारा का सारा हल कर दो अपना टाइम बर्बाद कर दो, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, उत्तर बहुत आराम से छोटा सा प्रयास करने से ही आ जाएगा। वो तरकीब सीख लीजिए, कभी आप बेटा सारा हल कर दो और आप ये कहो जी ये कैसे हुआ, 7:6:5 7, 6, 5 बेटा इन तीनों का जोड़ का अनुपात दिया है। सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए। तरकीब सुनिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ ए है पहले और तीसरे पद में ए है उसे जोड़ लो और जहाँ ए नहीं है वो घटा लो, अर्थात 7 और 6 जोड़ लो 12, 12 में से जहाँ ए नहीं था ये घटा लो 6। एक बार और देख लो ए इसमें भी ए इसमें भी, अर्थात पहला और तीसरा पद जोड़ लो 7 और 5 12 और जहाँ ए नहीं है वो घटा लो, तो 12 में से 6 गए 6, ए की वैल्यू आ गई 6। दोबारा सुनिए जिसकी समझ में नहीं आ, जहाँ जहाँ बी है उसे जोड़ लो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी इसे जोड़ लो 7 और 6 13 और जहाँ बी नहीं है, चूँकि हम बी की वैल्यू निकाल रहे जहाँ बी नहीं है वो घटा लो, तो 7 और 6 13 में से 5 गए 8, बी की वैल्यू आ गई 8। अब सी की वैल्यू देखिए, इन दोनों में दोस्तों सी है, जहाँ जहाँ सी है बेटा उन्हें जोड़ लो 6 और 5 11 जोड़ लिए और जहाँ सी नहीं है वो घटा लो, 11 में से 7 गए 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आपसे ये बटे में दे रखे, इसका उल्टा दे रखा, अर्थात इसका व्युत्क्रम दे रखा है, तो व्युत्क्रम का अनुपात निकालना आपको, उल्टे दे रखे आपको ए बी सी के जोड़ से कोई मतलब नहीं है, तो इसका एलसीएम ले लो 24, 6 चौक 24 8 3 24 4 6 24 6 चौक 24 8 3 24 4 6 24 4 3 6 उत्तर आएगा, 4 3 6 आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ये सवाल था, तो इसमें पूरा तो नहीं करा ना, ए जमा बी जमा सी की वैल्यू ली हमने कहीं भी, और इन तीनों का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेटा उल्टा पूछ रखा है, तो उल्टा करने में एलसीएम ले लिया करें 1/6 1/8 1/4 तो आंसर आएगा 4:3:6 ये आ जाएगा आपका। इतना मामूली सा करना है, दिखने में बड़े बड़े सवाल हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो ये समानुपात हो जाते हैं, अर्थात 2 में भी जोड़ा जाता है 3 में भी जोड़ा जाता है 30 में भी जोड़ा जाता है 35 में भी जोड़ा जाता है, तो ये समानुपात हो जाते हैं। अब ये कह रहा प्रत्येक में जो भी चीज़ जोड़ोगे वो x है और फिर x की वैल्यू इन दोनों में रखोगे फिर उसका मध्य समानुपात निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करें, एक तरीका तो दोस्तों ये है कि आप अपने थोड़ा सोच क्या कर ले, जिन बच्चे होशियार हैं वे सोच क्या कर लेंगे और जो होशियार नहीं है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए बी सी डी में। फॉर्मूला ये है दोस्तों, बाहर बाहर की गुणा और बीच बीच की गुणा का अंतर और नीचे इन दोनों का योग ए प्लस डी और इन दोनों का योग बी प्लस सी का अंतर, तुरंत उत्तर आ जाएगा एक्स की वैल्यू चाहे जोड़ने वाली हो या घटाने वाली। तो ए और डी 35 × 70 हो गया ये, और माइनस बी गुणा सी 30 × 90 हो गया। अब ए और डी को जोड़ोगे 35 और 2 37 हो गया और बी और सी को जोड़ेंगे तो 30 और 3 33 हो गया। तो बेटा ऊपर हो गया हमारा 20, माइनस प्लस छोड़ दो ध्यान ही ना दो, और 37 में तो गए 4 तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, एक्स बराबर कितना आ गया 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। अब ये पूछा है 5 + 7 और 5 - 2, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 + 7 और 5 - 2 का मध्यानुपाती 12 का और 3 का मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों आप इनकी गुणा करके वर्गमूल कर दो, 12 + 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन आ गया इसमें
तीसरा विकल्प छः आ गया दोस्तों, ये आंसर है। कितना आसान तरीके से मैं सब कुछ बताया, फॉर्मूले से आप ये एक्स की वैल्यू निकाल सको। फिर आप देखो यहाँ पाँच जोड़ के देखो, पाँच यहाँ भी, पाँच यहाँ भी, पाँच यहाँ भी, पाँच यहाँ भी, तो ये हो जाएगा सात, ये हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा पैंतीस, ये हो जाएगा चालीस। और अब बीच बीच की गुणा और बाहर बाहर की बराबर आएगी, बीच बीच की और बाहर बाहर की बराबर आ जाएगी, समानुपाती हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पाँच है। चलो जी नेक्स्ट दोस्तों, इस सवाल को देखिए। पॉइंट चार पॉइंट आठ का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है वर्गमूल ए बी। तो दोस्तों यहाँ ए ये है, बी ये है, तो ये हो गया पॉइंट आठ का स्क्वायर अपॉन पॉइंट फोर, स्क्वायर कर दिया, दो बार लिख दिया। और मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों 13.5 का और 0.24 का, ये हमें करना है। करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। शाबाश, इस सवाल का आंसर क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है बेटा, जल्दी जल्दी करो। बागपत है बहुत सारे बच्चों का, शाबाश। कुछ का जाट कॉलेज में है, राठी भाई का, अच्छी बात है भाई। चलो दोस्तों अब यहाँ से आगे कैसे करें दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। जैसे दशमलव से ये दशमलव कट गया, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, ये 1.6 आ गया अनुपात। आप यहाँ एक काम कर लीजिए, दशमलव हटा के तीन जीरो लगा लीजिए, क्योंकि तीन अंकों पर दशमलव है, दो तो ये है और एक ही, ये दशमलव कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तब आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसे मेरे बच्चों, इसे काट लीजिए आप पाँच से, पाँच से काटोगे, पाँच दूनी दस, पाँच सते पैंतीस, और पाँच से इसे काट दो, पाँच दूनी दस, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, अब आठ से इसे काट दो, आठ या चौबीस, और आठ से इसे काटो पच्चीस, तो ऊपर तो हो गया इक्यासी और नीचे हो गया पच्चीस, और इसका वर्गमूल इक्यासी का वर्गमूल नौ और पच्चीस का वर्गमूल पाँच, पाँच की गुणा दोस्तों यहाँ कर लो, अनुपात में था, तो सोलह पंजे अस्सी आठ आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आठ अनुपात नौ। इस सवाल का आंसर आएगा 8:9, ये सवाल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पाइए, करो बेटा इस सवाल को। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें बॉय की संख्या, गर्ल की संख्या 5-3 है। यदि विद्यालय में 30 गर्ल शामिल हो जाए तो कितने लड़के शामिल होने चाहिए, ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए, ये क्वेश्चन है। करिए बेटा, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चों, इस सवाल में क्या है, सबसे पहले बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल का रेशियो जो स्टार्टिंग में दे रखा है 5:3 दे रखा है, कितना 5:3, अर्थात टोटल संख्या 8 होगी ये, जबकि टोटल दे रखी 640, 8 बराबर 640 तो 1 बराबर 80 हो गया, तो 80 में लड़कों की संख्या 400 होगी और 80 की 3 में गुणा लड़कियों की संख्या 240 होगी, लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या आ गई बच्चों। अब सवाल में कहा 30 लड़कियां को और शामिल कर ले, इसमें 30 लड़कियां को शामिल कर लिया तो ये 270 हो गया। अब सवाल में कहा कितने लड़कों को और शामिल कर ले, कितने लड़कों को और शामिल कर ले कि इसका अनुपात 14:9 हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों 14:9 हो जाए। तो आपको ये सोचना है एक लाइन में कि ये 9 का कितने गुणा है, तो आप कहोगे जी 9 का 30 गुणा है, जब ये 9 का 30 गुणा है तो 14 का 30 गुणा कितना होगा दोस्तों, तो 14 + 42 420 होना चाहिए, तो 400 में कितना जोड़े कि 420 हो जाए, तो x की वैल्यू बेटा 20 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा ये विकल्प 20, ये जवाब आएगा मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत,
चलो बेटा पढ़िए ध्यान से। चलो जी जुगाड़ कर रहे बेटा सारे आज, जिसका जाट कॉलेज में है, जिसका बागपत में है, वे प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, वे जुगाड़बाजी में है बच्चों। पढ़ाई से तो उनसे कोई संबंध नहीं है। अभी इन्होंने सबक नहीं सीखा, 12 लड़के पकड़े गए थे, तो आगे और ही ना पता लग जाएगा। बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं है, मेहनत करिए। जुगाड़बाजी में कुछ नहीं धरा, कमजोर बच्चा देखता है शॉर्टकट रास्ता, होशियार को अपने पर भरोसा होता है। बेटा इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो पिता और माता की उम्र का पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था। था का मतलब कब था? जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। अच्छा जी, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। होगा का मतलब कब होगा? जब उनका पुत्र अपने वर्तमान आयु का दुगुना होगा, उतने साल और बढ़ जाएगा। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? करिए बेटे इस सवाल को, करिए बेटे, लाजवाब सवाल है। करिए बच्चों इस सवाल को करिए। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों कोई सा तुक्का मार दे, फिर मैं आगे चलूंगा जल्दी। करो बेटा सभी सोल्व करो, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, होशियार बच्चा जरूर कॉपी पेन लेकर बैठता है, कमजोर के ही नखरे ज्यादा हैं। करिए शाबाश। माँ और पिता की उम्र का अनुपात 11:10 था। बेटा आज सारे यहाँ से आ गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो बच्चा कल कहता जी हार्ड पढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, तो वो बच्चा पता नहीं आज कहाँ है। चौदह अनुपात 15 एक बच्चे का जवाब आया। चलो अब मैं समझा दूँ, 14:15 एक बच्चे का जवाब आया है, और राठी का जवाब 15:14। चलो बेटा आप समझिए, देखिए आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, और कुछ बच्चे सीखने के लिए बैठे हैं तो वे सीखिए कैसे है सवाल। फादर है और मदर है, फादर है और मदर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, फादर की उम्र हमने ले ली 11x और मदर की उम्र ले ली 10x। अनुपात में है पिता की 11 और माता की 10x ले ली। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, जब उनके बेटे के जन्म के समय था बेटा, ये तो जन्म के समय अनुपात था, तो मान लिया बेटे की वर्तमान आयु कोई संख्या मान सकते हो या कोई वेरिएबल ले सकते हो। या तो आप कोई भी संख्या मान सकते हो बेटा, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। या तो कोई संख्या ले लो, 5 साल 2 साल 6 साल कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, और या कोई वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी मान लो। मान लिया उस बेटे की वर्तमान आयु 5 साल है, मान लिया बेटे की वर्तमान आयु 5 साल है दोस्तों, ठीक है। तो 5 साल पहले इनका अनुपात ये था, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी पिता की और माता की? 5 जोड़ दो और 5 जोड़ दो। अब कह रहा है जब इसकी साल दुगनी हो जाएगी, 5 साल का है, जब वो 10 साल का हो जाएगा, अर्थात और 5 साल बाद, और 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल पहले 5 साल बाद, तो ये हो गया। तो पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा, ये सवाल में लिखा है 19:18 होगा। जब बेटे की उम्र दुगनी हो जाएगी, 5 का दुगुना 10, अर्थात और 5 साल बाद, तो और 5 जोड़ दिए, तो ये अनुपात होगा। अब यहाँ से सेकंडों में आप इसे कर सकते हो, तिरछी गुणा कर लो, 18 की 11 में 198x और 18 की 10 में 180 बराबर 19 की 10 में 190x और 19 की 10 में 190। तो बेटा आप क्या करोगे अब ध्यान दीजिए, तो 190 को घटा दो 198 में से 8x बच गया,
और 180 को घटा दो 190 में से 10। ये मैं सॉल्यूशन उनके लिए किया जिन्हें गणित सीखना है, और जिसे विकल्प से करना था तो अब तक सवाल हो जाता। एक बार गणित सीख लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 10/8। अब पूछा क्या है, पिता और माता की वर्तमान आयु। तो बेटा वर्तमान आयु कौन सी है, यहाँ तक वर्तमान आयु है पिता और माता की, अर्थात फादर की और मदर की वर्तमान आयु। तो 11x+5 और बेटा 10x+5, ये इनका वर्तमान है। x की वैल्यू आई 10/8, तो ऊपर हो गया 110/8 प्लस 5, और नीचे हो गया बेटा x की वैल्यू 10 रखते ही 10 × 100/8 प्लस 5। तो बेटा ऊपर 8×5=40 और 110 150, 8 से 8 कट जाएगा, 8×5=40 और 100 = 140, 0 से 0 काट दो, उत्तर आ गया 15:14। तो ये आंसर है बेटा, पहला विकल्प सही है 15:14, 15:14। अब इस सवाल को देखिए, विकल्प से आसान होता है क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां और 1 पत्नी है। क्या मैं सही पढ़ा, एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां और 5 पत्नी 1 पत्नी है। करिए फटाफट सवाल को। सवाल करिए बेटा, शाबाश जाट बॉय, आपकी सिस्टर का लेखपाल में नंबर आ गया आपकी दया से गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट ऑफ लक। सिस्टर को एक बार आना भाई, सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए, कम से कम ये बच्चे देख तो ले कैसी मेहनत करी, कैसे करी बेटा, कैसे पढ़ा। अब इस सवाल को देखिए भाई, अच्छा जी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 पत्नी है। बेटे बेटी और पत्नी, प्यारे बच्चों सवाल को ध्यान से देखिए, 19,000 रुपये बांटने हैं, प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना मिले। अगर बेटे को 2 रुपये मिलते हैं तो बेटी को बेटे से 1.5 गुना अर्थात 3 रुपये मिले, क्लियर हो गया। पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले, पत्नी को बेटे से 600 रुपये कम मिले, अर्थात ये 600 रुपये जो कम है ये इसमें ही जोड़ दो, ये इसमें जोड़ दो 19,000 में जो 600 रुपये कम है, तो बेटा ये हो जाएंगे टोटल 19,600 रुपये। अब आप इस अनुपात में बांट दीजिए। अभी कुछ और चीज़ रह रही है, ये तो हो गया प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। अब इनकी संख्या से भी गुणा कर दें, बेटे कितने थे 3, बेटी कितनी थी 2 और पत्नी कितनी थी 1, तो इसका मतलब कुल हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, तो 3 × 6, 3 × 6, 2 × 1, 2, इस अनुपात में आप बांट दीजिए 19,600 रुपये। तो आप ये देख लीजिए इनका जोड़ कितना हुआ, 6 × 6 = 12 × 2 = 14, कितना हुआ बेटा 14, 6 × 6 = 12 × 2 = 14, ऐसे लिख सकते हो 14 = 19,600। तो 1 = कितना, 14 × 14 = 56, 1 = 1400। पूछ क्या रहा है, तीनों बेटों का हिस्सा बताओ, तो तीनों बेटों का हिस्सा 6 यूनिट था, 1 = 1400, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो गया बेटा 14 × 6 = 8400 आंसर। तो तीनों बेटों को 8400 रुपये मिलेंगे आंसर, ये सवाल था, तीनों बेटों को 8400 रुपये मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत भाई, तीनों बेटों को 8400 रुपये मिलेंगे, कहीं गलत तो नहीं हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाओ, इस सवाल को करिए। ₹8,000 ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उन्हें ₹500, ₹200, ₹100 के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशियां 15:2:3 के अनुपात में हैं। 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है?
संख्या का अनुपात पूछा है बेटा, करिए जल्दी। चलो दोस्तों देखिए इधर, आज आपके जवाब नहीं आ रहे बेटा, मैं आपको चेक कर रहा हूं, आपके जवाब नहीं आ रहे भाई। करिए बेटा इस सवाल को, सवाल को करिए, समझिए। चलो दोस्तों ध्यान दीजिए, अच्छा गौर करिए। हाँ जी, कुल मूल्य सवाल में दे रखा है, कुल मूल्य सवाल में कुल मूल्य दे रखा है 15:2:3। कुल मूल्य को अगर, कुल मूल्य को अगर नोट से हम भाग दे दें, नोटों से भाग दे दें, तो आपको संख्या आ जाएगी। नोट है पहले यहाँ 500 का है, यहाँ 200 का है और यहाँ 100 का है। जब हम अनुपात निकाल लेंगे तो 2 0 2 0 2 0 कट जाएगी। 5 से 15 काट दो 3, 2 से 2 काट दो 1, 1 से 3 काट दो 1, 3। उत्तर आ गया 3:1:3 आंसर। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट आगे आ जाओ, इस सवाल को देखिए दोस्तों। 7,560 रुपये एक धनराशि ABC में बांटी जाती है, उनके हिस्से 400 रुपये, 300 रुपये, 260 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी के हिस्से की मूल राशि ज्ञात करें। कुछ बच्चों को पिछले क्वेश्चन से नॉलेज हुई होगी कि 4:2:5 का अनुपात तब होता है जब 7,560 रुपये में से 400 रुपये, 300 रुपये और 260 रुपये कम किए जाते हैं। जैसे यहाँ हमने कम किए थे बेटा, इस सवाल में 600 रुपये कम, इसमें 600 रुपये कम इसके थे, इसलिए हमने यूँ जो माइनस कम है सबके जोड़ में जोड़ा था यूँ, लेकिन इस सवाल में प्रत्येक के इससे कम है। देखिए एक बार समझिए, अगर किसी भाई को समझ में कोई दिक्कत है तो वहाँ ध्यान दीजिए। देखो एक बार अगर कोई दिक्कत है, ये है 4x, ये है 2x, ये है 5x, ये कम करने के बाद का अनुपात है, तो इसका पूरा हिस्सा प्लस 400, इसका पूरा हिस्सा प्लस इसमें करोगे बेटा 300, और इसका पूरा हिस्सा, इसका पूरा हिस्सा 5x प्लस 260। जब ये तीनों प्लस वाले हैं तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको बस ये समझना है। एक बार फिर देखिए बेटा, ABC तीन कैंडिडेट हैं और मैं आपको ये समझा रहा हूँ जैसा आपको एग्जाम में फटाफट सवाल करना, तो आप अनुपात को जो को जो के तो लिख लो, और 7,560 रुपये में से एक के कम कर दो 400 रुपये, दूसरे के कम कर दो 300 रुपये और तीसरे के कम कर दो 260 रुपये, अर्थात टोटल के टोटल 960 रुपये कम कर दीजिए इसमें से। 960 रुपये कम करते ही 0 0 और 15 में से 9 गए 6,600 रुपये आ जाएगा ये कम करते ही। अब बांट दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, तीनों का जोड़ 4 और 2 6 और 5 11 यूनिट है। किसका पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का 11 में से 2 है, बी का हिस्सा 11 में से 2 है, तो 6,600 में से कितना है? 6,600 में से, तो 11 6 66 और 6 2 12, अर्थात बी का हिस्सा कम करने के बाद 1200 है, उसके हिस्से में से कितना कम किया गया था? 300 रुपये। यूँ ए का हिस्सा, यू बी का, ये सी का, 300 रुपये बेटा कम किया गया था, तो इसका मतलब बी का टोटल हिस्सा है 1500 रुपये। सवाल का आंसर आएगा चौथा विकल्प, ये है बी का टोटल हिस्सा है 1500 रुपये। ये सवाल था भाई, इतना आसान कर सकते हो, बहुत इजी डाटा से खेलना सीखिए। इस सवाल को करिए, 19वां क्वेश्चन। क्रिकेट मैच ABC में 3 प्रकार के टिकटों की कीमत 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये है। ABC श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है,
यदि टिकटों की बिक्री में कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए हो तो बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। करिए बेटा, बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। सवाल करें बेटा, इस सवाल को करिए, जल्दी जवाब दीजिए बेटा। हाँ जी, चलो सीखते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। गौर करिए दोस्तों, बिके गए टिकटों का अनुपात, बिके गए टिकटों का अनुपात दे दिया, अर्थात टिकटों की संख्या दे दी, टिकटों की संख्या दे दी 3:2:5, ये टिकट की संख्या है दोस्तों। अब इनका प्रत्येक का मूल्य कितना है, प्रत्येक का मूल्य ए श्रेणी का है, ये बी श्रेणी का, ये सी श्रेणी का। ए श्रेणी का जो टिकट है वो 1000 रुपये का है, बी श्रेणी का जो टिकट है वो 500 रुपये का है, और सी श्रेणी का जो टिकट है वो 200 रुपये का टिकट है। तो इसका मतलब 3 टिकट 1000 के, तो कीमत होगी कुल कीमत 3000। चूँकि हमें कुल कीमत निकालनी है, यहाँ कुल कीमत ही दे रखी है 2.5 करोड़ रुपये, इसलिए बेटा आपको कुल कीमत निकालनी है। एक टिकट 1000 का, 3 टिकट 3000 के, एक टिकट 500 का, तो 2 टिकट हो गए बेटा 500 × 1000 रुपये, और बेटा एक टिकट 200 का सी श्रेणी का, तो 5 टिकट हो गए 1000 रुपये। अब देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 3, 4, 5, 5000 हो गए। 5000 के सवाल में दोस्तों इसमें 2.5 करोड़ दे रखे हैं, 5000 = 2.5 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ को आप पूरा लिख ले, 2.5 करोड़ को बेटा आप पूरा लिख लीजिए, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से 25, 1 = 5 × 25, 1 = 5000। जब 1 = 5000 है तो सवाल में टिकटों की संख्या कितनी थी टोटल, ये पूछा है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, तो 3, 2, 5 और 5, 10, अर्थात टोटल टिकट 10 यूनिट थे, कुल टिकट बेटा 10 थे, 1 = 5000, तो 10 = बेटा हो गया 50000, अर्थात टिकटों की कुल संख्या मेरे बच्चों 50000, आपका तीसरा विकल्प सही है। ऐसा करना है इस टाइप का सवाल, ऐसा करना है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी सॉल्यूशन से मैं इन्हें समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, अब इस सवाल को देखिए, एस और टी की आय का अनुपात 3:4 है, उनके खर्च का अनुपात 1:1 है, एस 4000 रुपये बचाता है और टी 22000 रुपये बचाता है, तो एस की आमदनी क्या है, ये सवाल है। तो इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, इस टाइप के पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लीजिए दोस्तों। एस और टी, एस और डी, टी 2 कैंडिडेट हैं जिनकी सैलरी का रेशियो जो है 3:4 है, और इनके एक्सपेंडिचर खर्च का रेशियो जो है 1:1 है, और इनके जो बचत है बेटा, सेविंग है, वह बचत इसकी 4000 रुपये है और इसकी 22000 रुपये है। अब ऐसे मामले में आपको अभी बताया था, एक सवाल पहले भी आया था, आप तिरछी गुणा करिए, 1 की 3 में 3 और 1 की 4 में 4, और नीचे की ओर भी तिरछी गुणा करिए, 1 की 22000 में 22000 और 1 की 4000 में 4000। अब यहाँ से बाद में आपको क्या सोचना है, तो यहाँ से बाद में सबसे ऊपर का अंतर ले लीजिए, 1 का अंतर, और सबसे नीचे का भी अंतर ले लीजिए, 18 का है क्या, जी हाँ 18000 का, तो 1 = 18000 आ गया, 1 = 18000 रुपये है, तो एस की इनकम पूछ रहा है वो, तो एस की इनकम कितनी थी, 3 यूनिट, तो एस की इनकम थी 3 यूनिट, 1 = 18000, तो 3 यूनिट = 18 = 54, उत्तर आ गया दोस्तों 54000 रुपये, आंसर है बेटा आपका दूसरा विकल्प, ये सवाल है 54000। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए,
एक्स और वाई की मंथली इनकम का रेशियो 5:4 है, खर्चे का रेशियो 9:7 है, वाई की इनकम एक्स के खर्च के बराबर है, तो एक्स और वाई की बचत का रेशियो बताना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो दोस्तों सीखते हैं। अच्छा जी, एक्स और वाई दो कैंडिडेट हैं दोस्तों इस सवाल में बोल रहा, उनकी इनकम, इनकम का रेशियो है 5:4 और उनके खर्च का रेशियो बोल रहा है बेटा 9:7 9:7। अब सवाल की वो शर्त देखिए जो जरूरी है, सवालों में शर्त बिना तो कुछ नहीं है बेटा। वाई की जो आय है, वाई की आय वो बराबर है बेटा एक्स का खर्च, एक्स के खर्च के बराबर है। वाई की आय कौन सी है ये, और एक्स का खर्च कौन सा है ये। वाई की आमदनी है 4 और एक्स का खर्च है बेटा 9। ये सवाल में कहा बराबर कर दीजिए, तो बराबर करने के लिए बेटा इस 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 की इधर कर दो, 36 कर दो। तो यहाँ 9 से गुणा कर दी 36 हो गया, और यहाँ 4 से गुणा कर दी 36 हो गया। 9 की गुणा यहाँ भी कर दो और 4 की गुणा इसके बराबर में। दोबारा देखिए, कुछ बच्चों को ये पता नहीं है तो मैं इसे दोबारा बता दूँ। पहले तो इन्हें बराबर कर लिया इसमें 9 की और इसमें 4 की, ठीक है। अब 9 की गुणा यहाँ करी तो इसके साथी में भी करेंगे, और नीचे 9 का इसका 4 की गुणा 7 में करेंगे, इसकी जो भी गुणा करेंगे इस अनुपात में सब जगह होगी। तो 9 की 5 में भी, 9 × 5 = 45 और 4 की 7 में भी। अब देख लीजिए बेटा, ये 45 रुपये कमाता है और 36 रुपये खर्च करता है, तो बचत जो है आय माइनस खर्च होता है। आय है उसकी 45, खर्च कर रहा है 36, तो इसका मतलब वो कितने बचा रहा है बेटा, 9 यूनिट। और ये 9 × 36 रुपये कमा रहा है और 28 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 8 यूनिट। आय में से खर्च घटा दीजिए, बचत आ जाएगी, आंसर आ गया 9:8। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, 9:8 ये था। चलो जी अब इस सवाल को देखिए, 22वां क्वेश्चन। दो वस्तु की कीमत 4:5 के रेशियो में है, पहले की कीमत में x परसेंट वृद्धि हुई, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की कीमत का जो रेशियो है 10:7 हो गया, एक्स का मान क्या था। सवाल में कैसे किया जाएगा दोस्तों, पहले की कीमत 4x ले ली हमने, दूसरे की कीमत 5x ले ली, ठीक है, या x ना भी लो तो भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की कीमत 4, दूसरे की कीमत 5, ठीक है। इसमें तो x परसेंट वृद्धि करी तो ये हो गया 100+x, परसेंट में जब कह रहा है तो प्लस करेंगे, और दूसरे वाले में कमी करी 100 − 30, परसेंट का मतलब 100 में 30 की कमी और इसमें x की वृद्धि, तो इसका अनुपात हो गया 10:7। बस उत्तर आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा। ऊपर तो 4 × 100+x और नीचे बेटा 5 × 70 रह गया, ये बराबर 10/7। देखिए दोस्तों, 7 से आप इसे काट सकते हो, 10 बार काट सकते हो, 10 × 5 = 50, 50 की आप इसमें गुणा कर सकते हो। 7 से 70 को काट सकते हो बेटा 10 बार, 10 × 5 = 50, 50 की आप इसमें गुणा कर सकते हो, तो 4 × 100+x बराबर 500 हो गया बेटा, ये 10 × 5 = 50 की 10 में 500 हो गया, और 4 की भी अंदर गुणा कर दोगे, या एक काम कर लो 4 × 500 काट लो 125 बार। तो अब देखिए 100 में कितना जोड़ है कि आपका 125 हो जाए, तो आप कहोगे जी 100 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमारा 125 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा 25 आएगी। ये है जी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, तेईसवा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ चावल गेहूं 380 रुपये में खरीदे, उनमें चावल तथा गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 था और उनके समान मात्रा में
मूल्य का अनुपात 5:6 था, वह चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। तो चावल का मूल्य इसमें ज्ञात करना, केवल चावल का मूल्य ज्ञात करना। तो दोस्तों ये देखिए भार, पहले तो वजन देखिए चावल का और गेहूं का, चावल और गेहूं का, चावल और गेहूं का कितना है बेटा 4:3 है, और मूल्य कितना है बेटा 5:6 है। अब आपको कुल मूल्य देखना है, जैसे अभी पिछला कुछ क्वेश्चन आया था, देखिए 1 किलो ₹5 के, तो 4 किलो कितने के हो गए 20 रुपए के। दोबारा सुनिए, मूल्य होता है प्रति किलोग्राम का मूल्य। 1 किलो ₹6 के हैं तो 3 किलो कितने हो गए 18 के। कितना आसान हो गया दोस्तों, अर्थात ये दोनों जुड़ के कुल मूल्य 38 हो गया, और 38 का टोटल प्राइस ₹380 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल ₹380 है। 38 बराबर 380 तो 1 बराबर ₹10 है। जब 1 बराबर ₹10 है, चावल की कुल कीमत बतानी है, तो चावल के नीचे कुल कीमत 20, 1 बराबर ₹10 है तो चावल 20 यूनिट का था, तो 20 की 10 में ₹200, अर्थात चावल की कुल कीमत ₹200 सी विकल्प है। यह है दोस्तों सवाल, कुल चावल की कीमत। आज बहुत बढ़िया सवाल है, इन पर अभ्यास करियो बेटा, बहुत लाजवाब सवाल है अनुपात समानुपात के। 24वां क्वेश्चन, चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या 14:25 है, यदि आवेदकों की संख्या 35 कम होती और 10 कम चयनित होते तो चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 3:5 होता। नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या क्या थी, कितने लोगों ने टोटल आवेदन स्टार्टिंग में किया था, ये पूछा है आपसे। तो बेटा ध्यान दीजिए, चयनित और अचयनित, चयनित और अचयनित, सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड, ध्यान दीजिए, का अनुपात स्टार्टिंग में 14:25 था, तो इसका मतलब कुल आवेदक कितने थे। इसका मतलब ये हुआ कुल आवेदक 25 और 14:39 थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए, कुल आवेदक दोस्तों यहाँ तक 25 और 14 टोटल जोड़ दीजिए तो ये आपका आ गया 39। अब जो अनुपात होता है बेटा वो आप ऊपर ही लिखते हो, जो संख्या होती है वो नीचे। सभी सवालों में हमने ऐसे ही करा, जितने भी सवाल अनुपात में लिखे, जैसे इस सीक्वेंस में लिखा ये वाला सवाल, तो ये जो संख्या 4000 और 22000 थी सबसे नीचे लिखी, 3-4 का अनुपात, 1-1 का अनुपात, 3-4-1-1 का अनुपात वाली चीजें ऊपर लिख लिया करें। तो यहां भी हम अनुपात ही ढूंढेंगे। सवाल में कहा चयनित और अचयनित का अनुपात 3:5 हो जाता है, चयनित का 3, अचयनित का 5, तो टोटल कितना हो गया 8, ये हो गया 3:5 टोटल जुड़ के 8 हो गया। ये ध्यान रखें कि अनुपात को दोनों लाइन एक साथ लिखें। अब संख्या लिखें, संख्या किसकी लिखें जो सवाल में दे रखी। अगर आवेदक की संख्या 35 कम होती, आवेदक कौन से हैं हमारे, ये आवेदक की संख्या 35 कम होती तो 10 कम विद्यार्थी चयनित होते, इसमें से 10 कम चयनित होते। जब दोनों जगह माइनस है तो आप चिन्ह हटा भी सकते हो। अब बस इन दोनों का ले लो, इसे आप अवॉइड कर दो, छोड़ दो, बस इन दोनों की संख्या क्रॉस में आप गुणा कर दो, जैसा अब तक करते आ रहे, 3 की गुणा इधर और 8 की गुणा इधर, 3 × 27 हासिल 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11, 117, 14 × 8 = 126, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, 14 × 8 = 126 नहीं, 8 × 32 होता है, ध्यान दीजिए, 8 × 32 3, 8 × 8 = 3 11, 112 हो गया, 14 × 8 = 12, और यहाँ भी तिरछी गुणा कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए 10 × 8 = 80 और 35 = 105। अब आज ये 4-5 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, जिसने हमने सारे ऐसे ही करे, इन दोनों का अंतर कितना है 5 यूनिट, और बेटा इन दोनों का अंतर कितना है 25,
पांच यूनिट बराबर 25, तो एक बराबर कितने हैं? पांच छात्र। जब एक बराबर पांच छात्र है तो पूछा कितना है, नौकरी के लिए आवेदन कितनों ने किया था, तो स्टार्टिंग में नौकरी के लिए जो आवेदक थे वे 39 थे, अर्थात टोटल जो आवेदक थे वे 39 थे। एक बराबर पाँच है तो 39 बराबर पाँच नम 45, पाँच या 15 और 4 19, अर्थात टोटल 195 थे। आपका आंसर आएगा चौथा विकल्प। ये है इस टाइप का सवाल 195। चलो दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आपका 25वां क्वेश्चन, ये है जी 25वां क्वेश्चन। किसी गोलक और अर्ध गोलक की त्रिज्या एक समान है, उनके टोटल सरफेस एरिया का अनुपात ज्ञात करें, ये सवाल में पूछा है। तो प्यारे बच्चों गोलक और अर्ध गोलक कैसा होता है देख लीजिए। दोस्तों ये हमारा एक पूरा गोला हो गया और दोस्तों ये हमारा एक अर्ध गोला हो गया। ध्यान दीजिए, गौर करिए दोस्तों, गोलक और अर्ध गोलक, गोलक और अर्ध गोलक, ये अर्ध गोला हो गया दोस्तों, गोला और अर्ध गोला। सवाल में क्या दिया हुआ है, एक गोला है एक अर्ध गोला है, इस तरह से है अर्ध गोला स्पेयर के रूप में है। उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि उनकी रेडियस बराबर है, अगर इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r है तो इसका टोटल सरफेस कितना हो गया 4πr² और इसका टोटल सरफेस कितना हो गया 3πr², ये आ गया भाई सरफेस एरिया का अनुपात, ये हो गया। अर्ध गोले का बेटा 3πr² होता है याद रखें, तो πr² से πr² कट गए, उत्तर आ गया 4/3, आंसर आ गया बच्चों चौथा विकल्प 4:3, ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आ गया। इतना आसान था बच्चों ये। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखिए, किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास और मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात 9, 8 और 15 है। यदि नारंगी अनानास और मिश्रित फलों के रसों को क्रमशः 25%, 33.33% और 20% डिब्बों को बेच दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे अनुपात बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, शुरुआत में कितना था 8:9:15 था, 8:9:15 स्टार्टिंग में ये रेशियो था बेटा। इसके 8 डिब्बे थे, किसके, नारंगी के, नारंगी के, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, टाइम बर्बाद होगा, याद कर ले बस, वैसे ही ध्यान दे ले। अब दोस्तों जो ये संख्या दी हुई है, जैसे 25% है, 25% होता है चौथाई, 33.33% होता है एक तिहाई, 20% होता है 1/5। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं आया तो मैं अलग लिख दूँ उन कमज़ोर बच्चों के लिए जिसे इस बात का पता नहीं है। दोस्तों 25% होता है चौथाई और 33.33% होता है बेटा 1/3 और 20% होता है बेटा 1/5। अब ये बेच दिए, सवाल में कहा इस हिस्से को बेच दिया, तो मेरे भाई आपको 4 में से जब एक बेच दोगे तो शेष कितने बचेंगे, शेष कितने बचेंगे, तो जो 8 डिब्बे थे उसका 3/4 शेष बचेगा, जो 9 डिब्बे थे बेटा उसका 1/3 बेच दिया, 3 में से 1 तो 2/3 बचेगा, और बेटा जो 15 डिब्बे थे हमारे फलों के रस के, मिश्रित फलों के, उसका 5 में से 1 हिस्सा बेच दिया तो 4/5 बचा, ये है। तो अब आप इस सवाल को आराम से हल कर लो, 4 × 8 2/6, 3/9 3/6 और 5/15 3/12, जिसे कैलकुलेट करोगे 6 से काट दो, 6 × 6 6 × 6 6 × 12, तो शेष बचे डिब्बों का अनुपात 1:1:2 हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात होगी बच्चों, कितना आसान हो गया है ना। नेक्स्ट आगे आ जाओ बच्चों।
अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को करिए बेटा। निशा और दिशा की वर्तमान इनकम का रेशियो 15-16 है, दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान आय का अनुपात 4-3 और 3-4 है, दोनों के पिछले वर्षों की कुल आय 25,600 रुपये थी, तो निशा की वर्तमान आय क्या है? सोचिए बेटा इस सवाल को। क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? करिए बेटा इस सवाल को करिए। शाबाश। शाबाश बच्चों, शाबाश। इस सवाल को करिए। बड़ी बात। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ लिया, अब मैं इसे सरल कर दूं मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए सवाल क्या है। समझदार बच्चों को जरूर पसंद आएगा ये क्वेश्चन। एक निशा है और दिशा है, दीक्षा है, इनका वर्तमान सैलरी दे दी प्रेजेंट, इनकी वर्तमान सैलरी का अनुपात दे दिया दोस्तों 15:16। क्लियर? अब सवाल में ये भी दिया हुआ है कि दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, निशा का जो है लास्ट ईयर LAST और प्रेजेंट ईयर, और दीक्षा का भी बेटा लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ये दे रखा है। निशा का था 4:3 और बेटा दीक्षा का कितना था हमारा 3:4 ये दे रखा। अब चूंकि इस सवाल में पिछले वर्ष की कुल आय दे रखी है, तो मुझे इस सवाल में पिछले वर्ष की सैलरी पे जाना है, लास्ट ईयर की सैलरी पे जाना है। तो अब गौर करिए दोस्तों, इसकी वर्तमान में 3 है, पिछले साल 4 थी, तो इसका मतलब 3 से 4 पे जाना है, तो 4/3 गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ भी वर्तमान में 4 है, पिछले साल 3 थी, तो 3/4 गुणा करना पड़ेगा पिछले साल पे जाने के लिए। तो मुझे पिछले साल की लिखने के लिए, लास्ट ईयर की लिखने के लिए ये अनुपात निकालना पड़ेगा। वर्तमान में 15 है, तो पिछले साल जाने के लिए 15 का 4/3, और इसकी वर्तमान में 16 है, तो पिछले साल पे जाने के लिए 16 का 3/4 करना पड़ेगा। तो पिछले साल का 3 × 15 = 5 × 20, और ये भी 4 × 16 = 12, अर्थात ये पिछले साल का अनुपात आ गया दोस्तों, लास्ट ईयर का अनुपात आया ये। और लास्ट ईयर की टोटल सैलरी भी दे दी 25,600, लास्ट ईयर की टोटल सैलरी दे दी 25,600। आप चाहो तो इन्हें काट भी सकते हो दोस्तों, ऐसे काट भी सकते हो, 4 से 4 × 20, 4 × 3 = 12, 5:3 का अनुपात में आप इसे काट भी सकते हो, लास्ट ईयर का हो गया ये। लास्ट ईयर का कितने यूनिट है? 5 और 3 = 8 है, तो 8 = 25,600 रुपये है। तो 1 = कितना? 8 × 24, 8 × 2 = 16, 1 = 3200 रुपये है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसकी आमदनी? निशा की। वर्तमान पूछी भाई, पर पहले लास्ट ईयर की निकलेगी, निशा की लास्ट वर्ष, निशा की लास्ट वर्ष कितने यूनिट थी? 5। तो 1 = 3200, तो 5 = 5 × 3200, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 16,000। निशा पिछले साल 16,000 रुपये कमाती थी, पूछा है वर्तमान। अब हमें वर्तमान निकालना है, लास्ट से वर्तमान पाना है, तो 3/4 गुणा कर दो, वर्तमान पाना है, 4 से 3 हो गया, अर्थात 3/4 गुणा, तो इसका वर्तमान, निशा का वर्तमान निकाल लेंगे, तो 3/4 गुणा कर देंगे 16,000 का 3/4, 16,000 का 3/4, तो उत्तर आ जाएगा 12,000 रुपये, ये आ जाएगा बी विकल्प। इस तरह से सवाल होगा। ये बढ़िया सवाल था बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, इसे समझना चाहिए। एक बार और देख लो, वर्तमान में है 15-16, हमें निकालना है पिछले साल का, तो पिछले साल का कितना हो जाएगा 4/3 और इसका 3/4,
जबकि 15 था तो 15 का 4 बटे 3 और 16 का 3 बटे 4 वैल्यू आ गई कट पिट के 5 3, अर्थात 5 3 का टोटल 8 हो गया, 8 बराबर 25,600 तो 1 बराबर 3200। तो लास्ट ईयर का हमें नीसा का बताना, जब वर्तमान का तब निकलेगा जब पहले हम पिछले साल का निकाल लेंगे। 1 बराबर 3200 तो 5 बराबर नीसा का है 16,000। अब 16,000 का दोबारा हमें प्रजेंट में निकालना, तो प्रजेंट में 4 पिछले साल था, इस साल 3 हो गया, तो इसका मतलब 3/4 गुणा हो गया, तो हमने 3/4 गुणा कर दिया 16,000 का, तो उत्तर आ गया 12,000। ये सवाल था बच्चों। अच्छा जी, अब इस सवाल को देखो, 28वां क्वेश्चन दोस्तों। ए बी के घन ए बी के घन के समानुपाती है, ए बराबर 81 तो बी बराबर 3 है, जब ए बराबर 192 है तो बी का मान क्या होगा? ये सवाल है दोस्तों, सोचिए पढ़िए करिए। ए बी के घन के समानुपाती है तो समानुपाती का निशान ये बनता है, और कोई वेरिएबल ले लेंगे हम। सवाल में बोला ए समानुपाती है बी के घन के, ये है इस लाइन का अर्थ, इस लाइन का अर्थ ये है ए बी के घन के समानुपाती। तो ए को बराबर लिखने के लिए इसका कोई वेरिएबल ले लो, ये हो गया जी। अब यहाँ वैल्यू रख दो दोस्तों, ए की वैल्यू 81 रख दी, के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, और बी की वैल्यू हमने 3 रख दी, और 3 की पावर 3। तो बेटा यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 27, से आप 81 काट दो, 27 3 81, के की वैल्यू बेटा हमारी 3 आ गई। अब दोबारा इसी संबंध को लिखिए, ए बराबर के बी की पावर 3, दोबारा लिखिए इस बात को। अब इसे सोल्व कर दीजिए, क्या पूछा है? ए की वैल्यू 192 है, अगली बार ए की वैल्यू 192 है, और के की वैल्यू कितनी आई? 3, के की वैल्यू 3 आई तो आप 3 लिख दीजिए, और बी की पावर 3, बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 3 से बेटा इसे काट दो, 3 6 18 3 4 12, बी की पावर 3 बराबर 64, 64 को भी 3 पावर में लिखोगे तो 4 की पावर 3, तो इसका मतलब बी बराबर 4 आ गया, बी की वैल्यू बेटा कितनी आई? 4। ये क्वेश्चन जो का तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा। तो बाकी क्लास आपकी कल चलेगी, आप ध्यान से इसे पढ़िए, समझिए चीज़ों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे सारे के सारे, उनके सॉल्यूशन को आराम से समझिए, जब आप वीडियो दोबारा देखोगे तब आपको अच्छी नॉलेज होगी, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुपात और समानुपात का कंप्लीट, इसमें सारे लाजवाब क्वेश्चन थे। तो सभी भाई आपका नज़दीक एग्जाम है, पर फिर भी पढ़ाई मत छोड़िए, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ के जुगाड़बाजी में लगेंगे तो अपना समय वेस्ट ही करेंगे। बच्चों इस दिनों का बहुत महत्वपूर्ण है, 5-7 दिन, तो इन चीज़ों में दोबारा सब चीज़ को दोहराया जा सके, समझा जा सके। आप मानोगे नहीं मानते इस बात को भाई, एक तो है जुगाड़बाजी के चक्कर में फंस गया कहीं, पैसे फंस गए तो पूरे जीवन रोवेगा, और अब अगर मेहनत कर ली और भर्ती हो गया, काफ़ी वैकेंसी है, तो बेटा पूरे जीवन फिर वो खुश रहेगा। तो अब आपको ये सोचना है कि करना कितना है, कम से कम 10-12-15 घंटे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 घंटे पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, पर लगातार पढ़ते रहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और 13 तारीख को एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हो, आज आपको पता लग गया होगा कहाँ कहाँ किसका एग्ज़ाम किस शहर में होना है, एडमिट कार्ड 13 तारीख को आ जाएंगे, फिर 17-18 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा हाँ ध्यान से अपने एक नई रणनीति बनाए, सब बच्चों से हटके सोचिए, पब्लिक पता नहीं क्या क्या सोच रही क्या कर रही, आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए बस, अपने ये चारों सब्जेक्ट चारों किताब अपने सामने रख लीजिए, उन चारों किताब सामने रखने के बाद हिंदी भी गणित भी रीजनिंग भी जीएस भी, उसके बाद ये देखिए उन कंटेंट में जो जो भी आपने चैप्टर कमज़ोर हैं, जिस चैप्टर में आप कमज़ोर हो उन चैप्टर को आप दोबारा दोहरा लें, और जिन चैप्टर में आप अच्छे हो उन्हें छोड़ दीजिए, चारों के चारों सब्जेक्ट में देख लीजिए आपका क्या कितना कवर हो गया और कितना रह रहा है। तो इस तरह जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप ये कहोगे 5-7 दिन में हम इस डायरेक्शन पर काम कर रहे थे तो हमें फ़ायदा हुआ,
करंट अफेयर्स आप मैगजीन खरीदिए या न्यूज में देखिए, पढ़िए। हाल ही की अब अगले यहाँ से आगे के 5-7 दिन के करंट अफेयर छोड़ दीजिए, इससे पहले की, फरवरी से पहले की, जनवरी की और पिछले 2023 की, वे करंट अफेयर्स पढ़िए। फरवरी तक का चूंकि पेपर तो बन चुका है, अब का तो कोई क्वेश्चन शामिल होगा नहीं, तो जनवरी की पूरी पढ़िए और उसके बाद दिसंबर, नवंबर, है ना, अगस्त तक आप पढ़ लीजिए 2023 की। 2022 का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको ऑफलाइन में भी डेली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं डेली PDF करंट अफेयर्स की डाल रहा हूँ, तो जो पढ़ता रहेगा वो कल भी डाल ली थी, परसों भी डाल ली थी, उससे पहले भी, आज भी डाल लेंगे जो आज पढ़ाई थी, तो आपको निश्चित उनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, विश्वास करें। क्या, अच्छा आपको नहीं पता चला, एक बार चेक करो, क्योंकि अभी साइट भी थोड़ी सी बिजी होगी, फिर भी नहीं पता चला तो आपके फॉर्म में मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, तो आप दोबारा देखिए शांति से, टेंशन ना ले, पता लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं फिर आपको, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए।